आए थे कुछ गांव में काम करने, तो इस बहाने हम लोग नागपुर से गुजर रहे हैं, तो आपसे बात करने का मौका मिला है और हमें बड़ी खुशी है। इस तरह से काम चल रहा है हर गांव में। वी आर हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। अमित ना खरं म्हणजे हे काम जे आहे प्रत्येकाचं काम आहे, प्रत्येकानं दुष्काळासाठी लढा दिला पाहिजे, पण मुळात हे काम जे आहे सरकारचं आहे, पण तरीही आपल्या सगळ्यांना करावं लागतंय, असं वाटतं का कुठेतरी सरकार कमी पडतंय म्हणून आपल्या सगळ्यांना हे काम करावं लागतं? नाही, मला असं नाही वाटतं, सरकारचं काम आहे आणि सरकार करतो आहे। सरकारचं एक खूप छान प्रयत्न आहे जल योशिवा, आणि ते स्कीममध्ये एव्हरी इयर ते 5,000 विलेजेस निवडतो आणि ते वॉटरशेडचं काम करतो। सरकारचं प्रोग्रॅम आहे आणि आम्ही जे सुरू केलं आहे हे आमचा प्रयत्न आहे की आम्ही पीपल्स मुवमेंट क्रिएट करू, आणि त्यामुळे आम्ही पाणी फाउंडेशन चालू केलं आणि ह्यामध्ये गावकरी काम करत आहे, आम्ही काम करत आहे आणि खूप वेगळं वेगळं एन जी ओज पण काम करत आहेत ह्यामध्ये, आणि आम्ही निमंत्रण दिलं शहरामध्ये राहणार राहतो लोकांना। माझं मराठी छान नाही आहे, तर शहराचे लोक पण ह्या प्रयत्नामध्ये सामील होऊ शकतो, आणि फर्स्ट मे महाराष्ट्र दिवस आहे आमचं, आणि हे दिवस एक खूप मोठं श्रमदान आम्ही ऑर्गनाईज केलं आहे, आणि जलमित्र आम्ही क्रिएट केलं, तुम्ही आमच्या वेबसाईटवर जाऊ शकतो jalmitra.paanifoundation.in आणि जलमित्र बनू शकतो। आणि लास्ट डेट ह्या जर तुम्हाला फर्स्ट मेला श्रमदान करायचं आहे, हे जे महाश्रमदान आहे इसके लिए लास्ट डेट है 25th, कल है ना, हाँ कल 25 तारीख है, कल रात तक लास्ट डेट है ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट मे के एक्टिविटी के लिए। मेरी पूरा जवाब दे, सुन लीजिए और समझने की कोशिश करिए। जब आदमी कोई भी प्रोफेशन में होता है और वो अपने प्रोफेशन में रह के सिंसियरली काम करता है, तो एक्चुअली ऑलरेडी वो सोशली कॉन्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहा है। उससे ज्यादा जिस जिस इंसान को करना है वो कर सकता है, लेकिन हर आदमी को खुशी से हर काम करना चाहिए। जैसे मैंने 3 Idiots में हमारे हम फिल्म में हमने बताया था कि जो काम से आपको खुशी मिलती है वो आपको करना चाहिए। अभी अगर आपको कोई काम में खुशी नहीं मिलती है, मैं आपको गिल्टी फील कराऊं, अरे भाई आप ये नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है। हर आदमी को अपनी खुशी से करना चाहिए, और जो आदमी कर रहा है वो अच्छी बात है, जो आदमी सोशल वर्क में नहीं है लेकिन अपनी फिल्मों में काम कर रहा है वो भी अच्छी बात है। और मैं लास्ट चीज़ आपको बोलता हूँ कि फिल्म वाले लोग जो हैं वो सोशल काम में बहुत आगे आके काम करेंगे। आप जितने सोशल मैसेजेस होते हैं, जब भी सरकार को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो फिल्म वाले कभी भी पीछे नहीं रहते, हमेशा आगे रहते हैं, सारे एक्टर्स आगे आते हैं। अमीर बहुत से ऐसे लास्ट क्वेश्चन बहुत से मराठी में ऐसे जिलात आ रहे हैं। हां लास्ट क्वेश्चन, आपने आपने जैसे कहा कि फिल्मों में कभी पीछे नहीं रहते मैसेज देने में, लेकिन मैसेज देने के बाद जो ट्रोल किया जाता है ट्विटर पे उसको, वो ठीक है, वो देखिए हम लोग उस पे मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूं। लेट्स जिन्होंने पूछा नहीं है उनको एक चांस दे, किसी को मराठी के अनेक कलाकार, आई थिंक ही इज ओनली आस्किंग नंदर नंतर विचार ऐकलं नाही नंतर विचार। मराठी के अनेक कलाकार तुमच्या सोबत आले, हो हिंदी जे चित्रपट सृष्टी आहे त्याचे पण अनेक कलाकारांची ते पण आले, अक्षय ने श्रमदान किया एक गांव में, उनकी शूटिंग चल रही थी, उन्होंने सतारा में श्रमदान किया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब हमने ओरिजिनली ये 3 साल पहले ये कॉन्सेप्ट निकाला था, तो हमने हिंदी मराठी दोनों सेलिब्रिटीज को बुलाया था अपने घर पे, और वो सब आए थे और सबने बोला कि हम आपके साथ हैं, आप बोलो क्या करना है। तो हमने एक्चुअली रीच आउट नहीं किया अभी तक हिंदी सेलिब्रिटीज को, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि सेलिब्रिटी जब गाँव में जाके काम करते हैं तो वो एक्चुअली काम रुक जाता है, उल्टा होता है, तो हमको वो भी नहीं चाहिए स्थिति। जब उनकी जरूरत पड़ेगी, वो लोग तो ऑलवेज रेडी हैं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी जरूर वो आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल कॉम्पिटिशन बड़ा अच्छा हुआ और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था ऑगस्ट में, फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन किरण जी और मैं दोनों, हमारी तबीयत खराब हो गई, स्वाइन फ्लू हो गया हमको। अभी स्वाइन फ्लू में आप घर से बाहर जाएंगे तो आप किसी और को दे देंगे,
10,000 गांवकरी आए थे फंक्शन में, सीएम साहब आए थे, नीता अंबानी जी थी, हमारे फंडर्स थे, सारे कॉम अपना मतलब सेलिब्रेशन, हम साल का पूरा काम का सेलिब्रेशन उस दिन हो रहा है, सब खुशी मना रहे हैं, सबको प्राइजेस मिल रहे हैं, और हम दोनों जिन्होंने जो पानी फाउंडेशन के जिन्होंने शुरू किया है हम ही नहीं है उस दिन। तो मैंने शाहरुख को फ़ोन किया और मैंने बोला शाहरुख यार ऐसे ऐसा हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, किरण भी नहीं जा पाएगी, तो हमारे तरफ से आप जाके रिप्रेजेंट करो। तो उसने 2 मिनट नहीं लिया बोलने में कि हाँ मैं जाऊँगा, तो वो फ्लाइट पकड़ के पुणे गया। हमारा प्रोग्राम 5 घंटा चला, वो पूरे प्रोग्राम में साथ बैठा था, और आखिर में उसको बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो इतने अच्छा उसने बहुत ही इमोशनल स्पीच दिया। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग रेडी हैं आने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं मैं सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ।